आज हम सीखते हैं जीरोइंग ऑफ 5.5 से मैम इंसास राइफल एंड एलएमजी का पीएनएस का, यानी कि जीरोइंग ऑफ पीएनएस, पीएनएस को किस प्रकार से जीरो करना है। पीएनएस के अंदर इस प्रकार से एक ग्रेटिकुल पैटर्न बना है, वह एक डॉट दिया है जिसे 200 मीटर रेंज को जाहिर करता है, और ऊपर नीचे का करेक्शन देने के लिए एलिवेशन नोब का हम इस्तेमाल करते हैं, और दाहिने बाएं का करेक्शन देने के लिए एजिमथ नोब को हम इस्तेमाल में लाते हैं। इस वीडियो में हम सीखते हैं इंसास राइफल और इंसास एलएमजी का पीएनएस को जीरोइंग करने का तरीका क्या है। इंसास राइफल और इंसास एलएमजी के पीएनएस को जीरोइंग करने का तरीका, इनके लिए ग्राउंड रेंज क्या होता है। राइफल के लिए ग्राउंड रेंज 100 मीटर होता है, और एलएमजी के लिए भी ग्राउंड रेंज क्या है, ग्राउंड रेंज 100 मीटर। ये दोनों के लिए ग्राउंड रेंज हमेशा क्या है, 100 मीटर होता है, और साइट के ऊपर रेंज क्या होता है, साइट के ऊपर रेंज 200 मीटर होता है, जो कि मैंने आपको ग्रेटिकल इसका पैटर्न के ऊपर एक ही डॉट रहता है और वो 200 मीटर के रेंज को जाहिर करता है, इसलिए ये क्या है, साइड रेंज इसका क्या है, 200 मीटर है। अब लेते हैं ऊपर नीचे का करेक्शन। ऊपर नीचे का करेक्शन के लिए एलिवेशन नोब से दिया जाता है, किससे, एलिवेशन नोब से ऊपर और नीचे का करेक्शन दिया जाता है। इसके ऊपर टोटल कितना 16 डीव है, टोटल कितना 16 डीव हम करेक्शन दे सकते हैं। एक डीव बराबर कितना 3 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है, एक डीव बराबर टारगेट के ऊपर कितना 3 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है, और कितना मीटर रेंज से 100 मीटर रेंज से, कितना 100 मीटर रेंज से एक डीव बराबर कितना 3 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है। अब एमपीआई किधर शिफ्ट होता है इसको भी समझते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब हम घुमाते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एमपीआई कहां हमारा ऊपर शिफ्ट होगा, अगर नीचे लग रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से हमारा क्या है एमपीआई ऊपर शिफ्ट होगा, अगर क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाने से क्या है एमपीआई नीचे शिफ्ट हो गया, कहां क्लॉकवाइज घुमाने से एमपीआई हमारा नीचे की ओर शिफ्ट होगी। एमपीआई की सही जगह, एमपीआई की सही जगह क्या है, टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से 5 सेंटीमीटर ऊपर होता है। एमपीआई का सही जगह इंसास राइफल और इंसास एलएमजी का पीएनएस के लिए क्या है, टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से 5 सेंटीमीटर ऊपर होता है। अब लेते हैं दाहिने और बाएं का करेक्शन, या दाएं और बाएं का करेक्शन, दाएं और बाएं का करेक्शन किस का किस पे दिया जाता है पीएनएस में, एजिमथ नोब से दिया जाता है, एजिमथ नोब से दिया जाता है। इसके ऊपर भी टोटल कितना 16 डीव है, टोटल कितना 16 डीव है, एक डीव बराबर 3 सेंटीमीटर का फर्क डालता है, एक डीव बराबर कितना 3 सेंटीमीटर का फर्क डालता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से एमपीआई कहां बाएं शिफ्ट होगा, एमपीआई कहां बाएं शिफ्ट कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से, यानी कि दाहिने लग रहा है अगर बाएं शिफ्ट कराना हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से हमारा एमपीआई बाएं शिफ्ट हो जाएगा, और क्लॉकवाइज घुमाने से एमपीआई दाहिने शिफ्ट होगा या दाएं शिफ्ट होगा। इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। अभी के लिए क्या है, रेंज हमारा क्या है 100 मीटर है, टारगेट का रेंज कितना है, ग्राउंड रेंज हमारा 100 मीटर है, ठीक है। पॉइंट ऑफ एम से ऊपर हमारा गोली कितना, पॉइंट ऑफ एम से कितना 20 सेंटीमीटर ऊपर लग रही है, और पॉइंट ऑफ एम से दाएं कितना 9 सेंटीमीटर लग रही है, कितना दाहिने 9 सेंटीमीटर लग रही है। इसको इस फिगर इस प्रकार से बना देना है, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ एम, पॉइंट ऑफ एम की सही जगह कितना 5 सेंटीमीटर ऊपर होता है, सही जगह दिखा दिए। अब क्या है, गोली हमारा टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से 20 सेंटीमीटर ऊपर और 9 सेंटीमीटर दाहिने लग रही है, तो इस प्रकार से बिल्कुल फिगर बना के ये इस प्रकार से दिखा देने से हमें क्या है जीरोइंग करने में बिल्कुल आसान हो जाता है। अब लेते हैं इसका जीरोइंग करने का तरीका के ऊपर चलते हैं। सौ मीटर रेंज पर एमपीआई बननी चाहिए कहां, पॉइंट ऑफ एम से 5 सेंटीमीटर ऊपर, एमपीआई की सही जगह कहां, पॉइंट ऑफ एम से 5 सेंटीमीटर ऊपर होता है, और 100 मीटर रेंज पर एमपीआई कहां बन रहा है अभी के लिए 20 सेंटीमीटर ऊपर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर ऊपर बन रहा है। करेक्शन, करेक्शन हमें कितना देना पड़ेगा, 20 माइनस 5 इक्वल टू कितना 15 सेंटीमीटर का हमें करेक्शन देना पड़ेगा। अब ऊपर और नीचे का करेक्शन किसके ऊपर दिया जाता है, ऊपर और नीचे का करेक्शन हमें एलिवेशन नोब के ऊपर दिया जाता है, तो 100 मीटर से एक डीप बराबर कितना 3 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है, तो 100 मीटर से 1 सेंटीमीटर बराबर 1/3 डीप हो जाएगा, 1/3 डीप हो जाएगा। अब 100 मीटर से 15 सेंटीमीटर बराबर 1/3 इंटू 15 इजिकल टू कितना 5 डीप हो जाएगा, यानी कि हमें कितना 5 डीप का करेक्शन
देना है और नोट लिख देना है, और नोट के बाद इसमें एक पॉइंट लिख देना है जो हम करेक्शन देंगे। एलिवेशन नोब को 5 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाए, क्योंकि हमारा गोली क्या है, टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से ऊपर लग रहा था और हमें क्या है इसको नीचे की ओर शिफ्ट करना है। यहाँ ऊपर 20 सेंटीमीटर लग रहा था और यहाँ से हमें 15 सेंटीमीटर क्या है नीचे यहाँ पे शिफ्ट करना है। इसलिए क्या है कि एलिवेशन नोब को 5 डिग्री हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एलिवेशन नोब को कितना, 5 डिग्री। एलिवेशन नोब को 5 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएं और ये सही जगह पे आ जाएगी। अब दाहिने बाएं का करेक्शन, दाएं और बाएं का करेक्शन, दाएं और बाएं का करेक्शन किस पे, एजमोथ नोब के ऊपर दिया जाता है। 100 मीटर रेंज से 1 डिग्री बराबर कितना 3 सेंटीमीटर होता है। 100 मीटर रेंज से 1 डिग्री बराबर 3 सेंटीमीटर होता है, तो 100 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमें कितना 100 मीटर रेंज पर कितना 9 सेंटीमीटर का करेक्शन अभी देना है, अभी कितना 9 सेंटीमीटर का करेक्शन देना है, तो 1/3 इंटू 9 इजिकल टू कितना 3 डिव का हमें घुमाना पड़ेगा। अब इसको नोट लिख के एक पॉइंट इसमें लिख देना है नोट में, एजमोथ नोब को 3 डिव हम कहां एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्योंकि हमारा दाहिने लग रहा है और बाएं शिफ्ट कराने के लिए क्या है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अभी और एक एग्जांपल के साथ हम सीखते हैं कि इंसास राइफल और इंसास एलएमजी के पीएनएस को जीरो करने का तरीका। रेंज सेम, उसी प्रकार से 100 मीटर लिए, ग्राउंड रेंज 100 मीटर है, पॉइंट ऑफ एम से नीचे कितना 10 सेंटीमीटर नीचे लग रही है और पॉइंट ऑफ एम से बाएं 9 सेंटीमीटर लग रही है, और इसको इस प्रकार से फिगर बना देना है। ये हमारा टारगेट हो गया, ये टारगेट का पॉइंट ऑफ एम, पॉइंट ऑफ एम की सही जगह कहां, ये पॉइंट ऑफ एम दिखा देना है, पॉइंट ऑफ एम की सही जगह कहां 5 सेंटीमीटर ऊपर होता है, और गोली हमारा कहां लग रहा है पॉइंट ऑफ एम से, कहां से पॉइंट ऑफ एम से, यानी कि यहां से जहां से मैंने पॉइंट कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ एम से कितना 10 सेंटीमीटर नीचे लग रहा है और 9 सेंटीमीटर बाएं लग रहा है, कितना पॉइंट ऑफ एम से 10 सेंटीमीटर नीचे और 9 सेंटीमीटर बाएं लग रही है। अब इसको हम देखते हैं कि करेक्शन देने के लिए क्या करना पड़ेगा। सौ मीटर रेंज पे एमपीआई बननी चाहिए कहां, पॉइंट ऑफ एम से 5 सेंटीमीटर ऊपर, 100 मीटर रेंज से एमपीआई कहां 5 सेंटीमीटर ऊपर बननी चाहिए, और 100 मीटर रेंज पे एमपीआई बन रहा है कहां हमारा 10 सेंटीमीटर नीचे, कहां पॉइंट ऑफ एम से कितना 10 सेंटीमीटर नीचे बन रहा है। अब करेक्शन, करेक्शन हमें कितना देना पड़ेगा 10+5 इजिकल टू कितना 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एम की सही जगह पे हमें लाना है, तो इसलिए क्या है ये 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर इसमें जुट जाएगा। इस चीज को इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, जब ऊपर लग रहा था तो उस दौरान हमने क्या किए थे माइनस किए थे, इस चीज को फोकस करना है, और यही मेन आदमी यहाँ पे गलती कर बैठता है, तो आप लोग यहाँ पे गलती नहीं करना है। ये अभी पॉइंट ऑफ एम से नीचे बोल रहा है, तो आपको क्या है पॉइंट ऑफ एम की सही जगह पे लाने के लिए ये 10 सेंटीमीटर प्लस हमें लाना है यहाँ पे, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे अभी जुट गया, तो टोटल हम करेक्शन कितना दे देंगे 10+5 इजिकल टू 15 सेंटीमीटर का देंगे। अब ऊपर नीचे का करेक्शन, ऊपर नीचे का करेक्शन ठीक है, किसके ऊपर दिया जाता है ऊपर नीचे का करेक्शन, एलिवेशन नोब के ऊपर दिया जाता है, तो इसको अभी करते हैं। 100 मीटर से 1 डिव देने में कितना 3 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है, 100 मीटर से 1 डिव देने से 3 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है, और 100 मीटर से 1 सेंटीमीटर बराबर 1/3 डिव हो जाता है, 100 मीटर से 1 सेंटीमीटर बराबर 1/3 डिव हो जाता है। अब 100 मीटर से 15 सेंटीमीटर बराबर 1/3 × 15 इजिकल टू कितना 5 डिव का हम करेक्शन देंगे, कितना देंगे 5 डिव का करेक्शन हमें देना पड़ेगा। अब नोट में लिख देना एलिवेशन नोब से ऊपर नीचे का करेक्शन किससे दिया जाता है, तो एलिवेशन नोब से दिया जाता है, अभी नीचे लग रही है तो एलिवेशन नोब को कितना 5 डिव एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, जब ऊपर लग रहा है तो नीचे शिफ्ट करने के लिए क्या किए थे हमने क्लॉकवाइज घुमाए थे, अभी क्या है हमारा नीचे लग रहा है और ऊपर शिफ्ट करने के लिए क्या है इसका विपरीत हो गया एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाए। अब आता है दाहिने बाएं का करेक्शन, यहां तक क्लियर हो गया, तो अभी लेते हैं क्या है दाहिने बाएं का करेक्शन। दाएं और बाएं का करेक्शन, दाएं और बाएं का करेक्शन किसके ऊपर दिया जाता है एजमोथ नोब के ऊपर दिया जाता है। 100 मीटर रेंज पर 1 डिग्री बराबर कितना 3 सेंटीमीटर होता है,
और 100 मीटर रेंज पे एक सेंटीमीटर बराबर 1/3 डीप हो गया। 100 मीटर रेंज पर 9 सेंटीमीटर बराबर 1/3 इंटू 9 इजकल टू 3 और 3 कट गया तो 3 और 9 कट गया तो कितना 3 डीप हो गया। तो 3 डीप का हमें करेक्शन देना पड़ेगा। एजमथ नोब को 3 डीप क्लॉकवाइज घुमाए और नोट में लिख देना है कि एजमथ नोब को कितना 3 डीप क्लॉकवाइज घुमाए। जब हमें दाहिने बाएं का करेक्शन देना होता है तो पूरे के पूरे करेक्शन दिया जाता है, क्योंकि हम ऊपर नीचे का करेक्शन देने के बाद गोली हमारा कहां यहां पे शिफ्ट हो गया, मान लो पॉइंट ऑफ एम की ठीक है सीध में आ गया, मगर दाहिने बाएं का जब तक करेक्शन हम नहीं देंगे वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ एम के सीध के ऊपर नहीं आएगा। अब ऊपर नीचे का मान लीजिए इसके ऊपर हम करेक्शन दे दिए, करेक्शन ऊपर नीचे का सिर्फ दे दिए तो गोली हमारा कहां यहां पे आ गया, यहां पे शिफ्ट हो गया। अब हम दाहिने बाएं का करेक्शन देंगे तभी बिल्कुल पॉइंट ऑफ एम के सही जगह के ऊपर ही या सिर में आएगा। तो इसलिए पूरे के पूरे दाहिने बाएं का जब भी करेक्शन दिया जाता है इस चीज को ध्यान देना कि पूरे के पूरे करेक्शन दिया जाता है और वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ एम की सही जगह पे यानी कि बिल्कुल उसके सिर में आ जाता है। यहां पर आपका इंसास राइफल के पीएनएस और इंसास एलएमजी के पीएनएस का जीरो करने का तरीका आपका बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों।